अकोला नगर निगम का प्रशासन पूरी तरह से असंगठित है और इसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नगर प्रशासन द्वारा मानसून से पहले नालों की सफाई न करने के कारण अकोला के अधिकांश नागरिकों को अपने घरों में नालों की घुसपैठ से भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। शिवसेना के पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा ने दावा किया है कि ऐसा नहीं हुआ है और अगर नगर निगम प्रशासन ने आने वाले मानसून से पहले शहर के पूरे इलाके की सफाई नहीं की तो शिवसेना अपने तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। अकोला महानगर पालिका हद में जो भी गांव के बड़े बड़े नाले हैं, हर साल महानगर पालिका के माध्यम से पानी बरसात के पहले नाले की साफ सफाई होती। पिछले बारी में यहाँ पर तत्कालीन आयुक्त अरोरा मैडम थे, उन्होंने भी वही गलती किया और उस समय भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि नाली साफ सफाई करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने किए नहीं, उसके कारण लोगों के घरों में पानी घुसा और आज भी वही गलती मैडम कर रही है। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम नाली साफ सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्लम एरिया में लोगों के घर में पानी घुसता और उससे लोगों का नुकसान होता, लेकिन मैडम को कुछ अधिकारियों ने गैर समझ पैदा कर दी है कि नाली साफ सफाई नहीं भी किए तो नाला साफ हो जाता पानी में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने मैडम से मिले, मैडम को बताया, मैडम का कहना था कि 90% के नाले साफ सफाई हो गई, तब हमने उनके ख्याल में लाके दिया कि पूरे शहर में जो भी नाले हैं उनके हमने फोटोग्राफी लाके दिए और मैडम को बताया कि मैडम ये कंडीशन नाले की है और ये साफ सफाई अगर आपने नहीं किया तो 100% आने वाली बारिश के अंदर अकोला महानगर पालिका में जो भी स्लम एरिया है जहाँ गोर गरीब लोग रहते हैं उनके घर में पानी घुसेगा और उसका नुकसान वो होगा, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसकी जवाबदारी महानगर पालिका की रहने वाली है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अकोला महानगर पालिका में जो नाले गंदे हैं उसको साफ सफाई किया जाए, अन्यथा शिवसेना की पद्धति से महानगर पालिका पे हम ये विषय में आंदोलन करेंगे। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।